यस सर, यस सर। ओके ओके चले ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले इन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर आपके पास क्या होता है बेटा, इन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। एडिशन में कैसे एरर फाइंड किया जाता है और सब्स्ट्रैक्शन में कैसे एरर फाइंड किया जाता है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन के अंदर, ठीक है, इसमें कैसे। ओके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन के अंदर। नाउ कंसीडर टू क्वांटिटीज ए एंड बी, रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। हियर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटीज ए एंड बी। मतलब कि क्वांटिटी ए जो है उसकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा ए है, और क्वांटिटी बी की जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा बी है। नाउ अभी किसी भी क्वांटिटी को हम एरर के साथ कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप एरर के साथ लिखना चाहते हो तो उसको ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी से लिखा जाता है। नाउ व्हेन वी एड देन रिजल्टेंट क्वांटिटी इज जेड, ठीक है, तो ए और बी को ऐड करने से जो नई क्वांटिटी आती है वो जेड है, तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, आप ये याद रखोगे। सपोज एब्सोल्यूट एरर इन जेड इज डेल्टा जेड, देन रिजल्टेंट क्वांटिटी विथ एब्सोल्यूट एरर, वही सब लोगों को स्क्रीन ऑन रखना है, कैन बी रिटर्न एज प्रिंस, स्क्रीन ऑन नहीं है आपका। जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस
बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, ठीक है, हमने एडिशन किया इस वजह से यहाँ पर बीच में प्लस रखा, याद रखना आप लोग मैंने क्या बोला, हमने यहाँ पर एडिशन कर रहे, दो क्वांटिटी का एडिशन कर रहे इसलिए बीच में प्लस रखा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ए है ये जो ए है उसको आप अपनी मेन क्वांटिटी बोल सकते हैं, मेन क्वांटिटी। बी है उसको आप अपनी मेन क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी डेल्टा ए एंड डेल्टा बी जो है वो आपकी मेन क्वांटिटीज है, ठीक है, आपकी मेन क्वांटिटीज है। ओके तो ए और बी आपकी मेन क्वांटिटीज है। अच्छा डेल्टा ए एंड डेल्टा बी दैट इज योर एरर टर्म, ये आपकी एरर टर्म है। तो अभी इसमें कैसे होगा बेटा, चलो तो लेफ्ट साइड पर आप जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड एज इट इज रखोगे इज इक्वल टू, राइट साइड पर आप मेन क्वांटिटीज का अगर एडिशन है तो एडिशन करोगे। तो मेन क्वांटिटीज कौन कौन सी है बेटा आपकी, विच क्वांटिटीज आर मेन क्वांटिटीज टेल मी। ए और बी, ए और बी, अच्छा यहाँ पर एडिशन हो रहा है कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन एडिशन, तो बीच में मैं प्लस रखूंगा बी, प्लस और माइनस। अच्छा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, देखो तो इक्वेशन वन क्या है बच्चों आपके पास, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन इक्वेशन वन क्या है आपके पास। जेड इज इक्वल टू जेड ए इक्वल्स प्लस टू ए बी, प्लस, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर जेड की जगह पर ए प्लस बी करूंगा, प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो ए प्लस बी लेफ्ट साइड पर, ए प्लस बी राइट साइड पर कैंसल हो गया, तो इसका मतलब यस हुआ कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एरर का तो दोनों जो क्वांटिटी है उसमें जो भी एरर्स है उसका आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एडिशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना एडिशन पड़ेगा। चले सब्सट्रैक्शन की बात करता हूँ मैं बेटा, ओके सब्सट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, ओके कंसीडर टू क्वांटिटीज, ए एंड बी, वी वॉन्ट टू सब्सट्रैक्ट देम, ओके वी एरर क्वांटिटी ए कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखा जाता है बेटा विथ एरर, जेड नहीं मैं ए क्वांटिटी ए को बोल रहा हूँ बेटा, क्वांटिटी ए को कैसे लिखा जा रहा डेल्टा है, ए प्लस और माइनस डेल्टा, ठीक है, विथ एरर कैसे लिखा जाएगा बेटा, ये प्लस डेल्टा ओके विथ एरर क्वांटिटी, बी कैन बी रिटर्न एज
बी प्लस डेल्टा बी। वेरी गुड, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, प्लस नहीं है बच्चा वो, प्लस और माइनस है। ठीक है, बी रिजल्टेंट क्वांटिटी इज सपोज जेड, देन जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना, इसको यहां पर इक्वेशन बनाओ। क्योंकि यहां पर हम सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। कंसीडर डेल्टा जेड बी द एरर प्रोड्यूस इन जेड, देन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पर, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। मतलब कि दो बॉक्स के बीच में मैंने माइनस रखा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। हाँ या ना, एडिशन कर रहे थे तब बीच में प्लस रखा था, सब्सट्रैक्शन कर रहे तब माइनस रखेंगे। अच्छा मुझे बताना, ठीक है मैं जो पूछू आप उसका आंसर देना। यहाँ पर ए और बी क्या है बच्चों, मेन क्वांटिटी, मेन, हाँ मेन क्वांटिटी या मेन टर्म, वेरी गुड। अच्छा डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है बच्चों, एरर टर्म, एरर टर्म, गुड वेरी गुड। अच्छा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू मेन टर्म में सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन होगा, बट आपकी जो एरर टर्म है उसमें कंपलसरी एडिशन होगा। समझ आया मैंने क्या बोला बेटा आपको, मेन टर्म के अंदर, मेन टर्म के अंदर अगर एडिशन है तो आप एडिशन करो, मेन टर्म के अंदर आपके पास सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करो, बट एरर टर्म में ऑलवेज एडिशन ही करने हैं। एरर टर्म में ऑलवेज क्या करना है बच्चों आपको, एडिशन, एडिशन। बोलो क्लियर, यस। सो फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, z की जगह पर a माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा z, a माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चले तो a माइनस बी कैंसल हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो इसके ऊपर से रूल कुछ इस तरह से बनेगा, रूल कुछ इस तरह से बनेगा। देखो रूल लिखना कंपलसरी है, इन एडिशन कॉमा सब्सट्रैक्शन, यहां पर एब्सोल्यूट एरर है बच्चों, तो एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस इन रिजल्टेंट क्वांटिटी इज given by addition of each absolute error
integrand. क्वांटिटीज, ठीक है, तो सभी क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करोगे तब जाके आपको रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर मिलेगा. सपोज करो आपके पास ए बी और सी, ऐसे तीन अलग अलग क्वांटिटीज है, तो तीनों अलग अलग क्वांटिटीज की वजह से आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा उसके लिए ए की जो एब्सोल्यूट एरर है, बी की जो एब्सोल्यूट एरर है और सी की जो एब्सोल्यूट एरर है, उन तीनों को ऐड करके आपको मिलेगा. सपोज करो आपके पास ए बी सी डी चार होता तो रिजल्टेंट कैसे मिलता बेटा? सपोज करो आपके पास ए बी सी डी ऐसे चार क्वांटिटी होती तो मुझे बताओ तो इसका रिजल्टेंट कैसे मिलता? प्लीज टेल मी. डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी. वेरी गुड, बहुत सही बच्चा, बोलो. ठीक है, समझ में आया? चले नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो आप क्वेश्चन रखे, मैंने तीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखे हैं. चलो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दूंगा, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे. आएगा आपको बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड मैं सॉल्व करके दूंगा और थर्ड आप खुद से सॉल्व करोगे. कर पाओगे? यस सर. यस. ओके, क्वेश्चन नंबर वन. आपको क्या बोला गया बेटा? क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से कि स्क्रीन छोटी लग रही है? सर दिख रहा है. परफेक्ट दिख रहा है? यस. ओके, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर T1 आपको दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस. क्या फाइंड करना है बेटा हमें? डिफरेंस. डिफरेंस मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन. वेरी गुड. ठीक है, चले तो यहाँ पर आपको डेल्टा टी फाइंड करना है. ऑल राइट, तो बेटा डेल्टा टी कैसे फाइंड किया जाएगा? पहले तो डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाएगा? तो डिफरेंस इज इक्वल टू, अच्छा आगे जो बड़ी टर्म है देखो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर आगे की तरफ ये जो बड़ी टर्म है इसको मेन टर्म बोलते हैं, पीछे जो छोटी सी मैंने जहां पर सर्कल किया है जो छोटी टर्म है उसको एरर टर्म बोलते हैं. ठीक है, एरर टर्म ऑलवेज छोटी होगी और प्लस और माइनस के बाद होगी. तो यहाँ पर डिफरेंस के अंदर दोनों में बड़ी मेन टर्म कौन सी बड़ी है दोनों में? 50 डिग्री. 50. वेरी गुड. तो यहाँ पर आप कैसे फाइंड करोगे? तो 50 माइनस 20. ठीक है. Yes. दोनों मेन टर्म्स क्या ही आपको करना है, प्लस और माइनस. मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, एरर टर्म का क्या होगा ऑलवेज? प्लस, एडिशन. तो ये 0.5 प्लस 0.5, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा 30 डिग्री प्लस और माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड. बोलो आया समझ में? यस. नहीं समझ आया? यस. सबको समझ आया बेटा? यस सर. ओके नाउ सर एक बार ये एक्सप्लेन करो ना. हाँ, दूसरे क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन समझना. देखो क्या लिखा है बेटा, द मास ऑफ एम्प्टी बीकर इज 50.3 प्लस और माइनस 0.2 ग्राम. तो यहाँ पर M1 दिया है 50.3 प्लस और माइनस 0.2 ग्राम एंड मास ऑफ हाफ वाटर बीकर. जब हमने बीकर में आधा बीकर पानी भरा तो उसके लिए मास हो जाएगा M2 59.4 प्लस और माइनस 0.2 ग्राम. कीपिंग एरर इन माइंड द मास ऑफ वाटर विल बी फिल इन द ब्लैंक. तो मतलब यहाँ पर
मास ऑफ वाटर कितना होगा? चले, कैसे फाइंड कर पाएंगे बच्चों हम? सर वो टोटल मास से बीकर का माइनस कर देंगे मतलब वाटर का मिल जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ हाफ फिल्ड बीकर माइनस मास ऑफ एम्प्टी बीकर, सही है। चले तो यहां पर एम टू माइनस एम वन, क्योंकि हाफ फिल बीकर का मास एम टू से रिप्रेजेंट किया गया और एम्प्टी बीकर का मास एम वन से रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा तो यहाँ पर एम टू कितना है बच्चों आपके पास? 59.4 प्लस और माइनस 0.2 माइनस एम वन कितना है आपके पास बच्चों? 50.3 प्लस और माइनस 0.2। चले अभी मुझे बताओ इसमें मेन टर्म्स कौन कौन सी है, विच आर दी मेन टर्म्स? 59.4 एंड 50.3। ओके अच्छा, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करना है, विच ऑपरेशन वी आर गोइंग टू डू? मेन टर्म और माइनस टर्म, हाँ मतलब कि सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन होगा बच्चों 59.4 माइनस 50.3 प्लस और माइनस। अच्छा आपकी जो एरर टर्म है उसमें क्या होगा? एडिशन, ऑलवेज एडिशन होगा। वेरी गुड, तो आपका वैल्यू यहाँ पर क्या हो पाएगा? 9.1 प्लस और माइनस 0.4। बोलो आया समझ में बात? यस सर। चले यस सर, अभी ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करना है। दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर बच्चों? थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है? यस सर। हो पाएगा खुद से? यस। चले करके बताओ मुझे, वैल्यू बताना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास मतलब आप आपने किया के नहीं किया या कितना आंसर आया। और बच्चों मैंने आपको ऐसा बोला था आप ये सारी चीज अपनी फेयर नोटबुक में लिखना, आप लिख रहे हो इसको फेयर नोटबुक में? यस सर। आपको जो भी पढ़ा जाए बेटा आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, आपको पता है ना? यस यस। ओके यस सर, यस बेटा। ओके लिख दो सब लोग सर। इस बोलो देव सर, इसके बाद में पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ हो जाएगी। आपको लास्ट टाइम मिल गई थी पीडीएफ? यस सर। उसके सर वो आज ही कर देना, इफ पॉसिबल आज ही हो जाएगी बेटा, हर रोज सेम डे हो जाएगा। ओके सर। सर दूसरे दिन आती है, कोई बात नहीं। देव आप कर रहे हो बेटा, वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसका? यस सर, अभी बाहर आया हूँ सर, फ्रेंड के घर पे आया इसलिए सर। वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हो ना। चलो भाई मिला सबको आंसर? सर आंसर आया, कितना आया? -9.8 प्लस -0.2। माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। थीटा 1 माइनस थीटा 2 बोला है आपको?
हाँ टू यस माइनस ओके 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 करेक्ट वन करेक्ट वन हाँ सर मेरा भी उतना ही है, 9.8 करेक्ट करेक्ट प्लस नहीं आप करेक्ट है बेटा करेक्ट है मैं समझ गया ठीक है। यहाँ पर थीटा वन थीटा टू बोला था तो बराबर है एकदम बराबर है। बोलो सबको समझ आ गया बच्चों। यस सर ओके चले अभी जैसे हमने एडिशन सब्स्ट्रैक्शन में बेटा फाइंड किया वैसे हम बात करेंगे अभी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के अंदर। ओके तो कंसीडर अच्छा पहले मैं मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। चलो तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बच्चों? कंसीडर वी हैव टू क्वांटिटीज ए एंड बी। वी वांट टू मल्टीप्लाई देम। हम क्या करना चाहते हैं बेटे? इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ओके ए विथ एरर कैन बी रिटर्न एज कैसे लिखा जाता है बेटा इसको? ए प्लस माइनस डेल्टा ए वेरी गुड बहुत सही बेटा। और बी बी प्लस माइनस डेल्टा बी विथ एरर कैन बी रिटर्न एज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। वेरी गुड। इफ जेड इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी देन अगर जेड रिजल्टेंट क्वांटिटी है तो आपके पास जेड इज इक्वल टू इक्वेशन होगा बेटा ए डॉट बी। बोलो हाँ या ना? यस सर इसको इक्वेशन इसको आप इक्वेशन नंबर वन दे दो। इफ एरर इन जेड देन जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अच्छा दो ब्रैकेट के बीच में मैं क्या करूं बेटा? देखो मल्टीप्लिकेशन वेरी गुड मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट कर दो ठीक है। ओके क्योंकि यहां पर हमारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो दो क्वांटिटीज के बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। बहुत सही बेटा। तो लेफ्ट साइड एज इट इज तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड एज इट इज। अच्छा चलो देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरी बात सुनो। अच्छा आपको मल्टीप्लीकेशन रूल पता है ना बेटा? ये फर्स्ट क्वांटिटी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट क्वांटिटी के साथ, ये फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी सेकेंड के साथ, फिर ये सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट के साथ, ये सेकंड मल्टीप्लाई होगी सेकंड के साथ। बोलो हाँ या ना? ऐसा होता है बच्चों? हाँ ओके तो देखो यहां पर मैं लिख पाऊंगा ए डॉट बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डॉट बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ऐसे लिख पाऊंगा मैं बच्चों? यस सर ओके
फ्रॉम इक्वेशन वन मैं क्या लिख पाऊंगा? जेड की प्लस पे ए बी, ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए बी। अच्छा चलो ऐसा नहीं करना है, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करना है, इसको छोड़ दो, मैं दूसरी मेथड से करवाता हूं आपको। ओके इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दो बेटा, ये जो पूरा मिला आपको इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दो। डिवाइड बाय जेड ऑन एलएचएस ऑफ इक्वेशन टू एंड by AB on RHS of equation 2। बताओ तो बच्चों मैंने क्या बोला यहाँ पर? ये मैंने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बताओ तो मुझे। प्रिंस आवाज, हाँ बोलो अभी। सर ऐसा बोला लेफ्ट हैंड साइड, मतलब z a plus b डेल्टा z को हम z से डिवाइड करेंगे और जो राइट साइड जो टर्म है उनको ए बी से, मतलब इस तरह से, और यस बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है डिवाइड करना है पूरे टर्म को ए बी से। वेरी गुड। अच्छा डिवीजन का एक रूल शायद आप सबको पता होगा, अगर न्यूमरेटर में सिर्फ एक वैल्यू है और सॉरी न्यूमरेटर में एक से ज्यादा वैल्यू है और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू है तो डिनोमिनेटर हर एक न्यूमरेटर को अलग दिया जा सकता है, बोलो हाँ या ना? यस ओके तो वैसे यहाँ पर ए बी बाय ए बी, यहाँ पर प्लस और माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, यहाँ पर प्लस और माइनस डेल्टा ए बी अपॉन ए बी, यहाँ पर प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पर जेड जेड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर वन लिखा जाएगा, यस डेल्टा जेड बाय जेड, यहाँ पर ए बी ए बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी वन लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ पर ए कैंसिल हो गया तो डेल्टा बी बाय बी, यहाँ पर बी कैंसिल हो गया तो डेल्टा ए बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए डॉट डेल्टा बी बाय बी। आप इस तरह से लिखो या आप इस तरह से लिखो, दोनों सही है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो तो देखो ये वन और ये वन, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर दोनों वैल्यू वन है तो एक दूसरे को मतलब कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल नहीं समझ आता है तो एक बात समझो, ठीक है ये प्लस वन है, ये इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड पर तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन होगा। नाउ ये वन और ये वन कट हो जाएंगे तो अभी आपके पास क्या बचेगा बच्चों? तो आपके पास बचेगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस और माइनस, ओके सभी में अभी प्लस और माइनस बाकी है, डेल्टा ए बाय ए डॉट डेल्टा बी बाय बी। बट आप ये याद रखना, बट डेल्टा ए बाय ए डॉट डेल्टा बी बाय बी इज वेरी स्मॉल टर्म, बहुत छोटी टर्म है, हेंस निग्लेक्टिंग इट। डेल्टा ए इन
बाय ए डेल्टा बी बाय बी, ये बहुत छोटी टर्म है तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली आपके पास आंसर होगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये आपका आंसर हो गया ना। उसी तरह से मैं बात करूंगा डिवीजन के बारे में। चलो ओके। कंसीडर टू क्वांटिटीज, ए एंड बी। बी वांट टू डिवाइड देम, हम उनको क्या करना चाहते हैं बेटा, डिवाइड करना चाहते हैं। तो ए विथ एरर कैन बी रिटर्न एज कैसे लिखा जाता है बच्चों, बताना है अभी आपको। ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एक मिनट का। ओके ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके। और यहाँ पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बहुत सही बेटा, ठीक है। इफ जेड इज रिजल्टेंट वैल्यू देन मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, जेड इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन बी लिख सकता हूं प्लीज, हाँ या ना बताना। यस चलिए जेड विथ एरर कैन बी रिटर्न एज कैसे लिखा जाता है बच्चों, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके ओके हाँ चले, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हेंस जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। चले ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा देखो, इक्वेशन टू दे दो। ऑन एल एच एस ऑफ इक्वेशन टू डिवाइड बाय जेड एंड ऑन आर एच एस ऑफ डिवाइड बाय ए अपॉन बी, ठीक है। लेफ्ट साइड को आप जेड से और राइट साइड को आप ए बी से डिवाइड करोगे, तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड ए प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, ये एक क्वांटिटी अपॉन ए बी। अच्छा चलिए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा जेड बाय जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड। अच्छा राइट साइड पर ये आपका न्यूमरेटर होगा पूरा वैल्यू, और ये आपका पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर होगा, बोलो हाँ या ना। ओके
यस सर। ओके, तो आप सब जानते हैं ए प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, आप इस तरह से लिख सकते हैं, आया ना? यस सर, लिख सकते मोर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जेड जेड कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वन प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड। मोर ओवर आप लिख सकते हैं ए बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए अपॉन बी बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा बी बाय बी, आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो सेम बात है, ठीक है एवरीबॉडी? चले, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला और बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू वन प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए, अच्छा अपॉन वन प्लस और माइनस डेल्टा बी बाय बी। सपोज करो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका पावर वन होगा, मैंने जो क्वांटिटी लिखा बेटा, ठीक है, इसमें देखो बी बी कैंसल हो गया, अच्छा yes. ये बनेगा वन प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, अगर मैं इसमें ब्रैकेट लेता हूँ तो ब्रैकेट का पावर सिर्फ वन होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब बेटा पावर वन होता है, समझ लेना आप। तो आपके पास होगा बेटा वन प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू वन प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू वन प्लस और माइनस डेल्टा बी बाय बी, अच्छा ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, ठीक है? यस। नाउ 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 अभी ये समझने वाली बात, अभी मैं जो स्टेप करवा रहा हूँ वो आप कंपलसरी समझना, ठीक है, अगर अदरवाइज पूरा 11th पूरा 12th आपको दिक्कत होने वाली है। देखो 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी पावर माइनस 1, इसका एक्सपांशन कैसे होगा, ठीक है, इसका एक्सपांशन कैसे होगा, फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है बच्चों, ये टर्म के अंदर फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है या फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1 1, तो एज इट इज रखो, वेरी गुड। अच्छा फिर इसके अंदर साइन कौन सी है? प्लस, तो प्लस रखो। अच्छा पावर कितना है? माइनस वन, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करो। सेकंड क्वांटिटी कौन सी है? डेल्टा बी बाय बी, तो डेल्टा बी बाय बी लिखो। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा वन माइनस डेल्टा बी बाय बी, बोलो हाँ या ना? आप सब जानते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस की वैल्यू माइनस होती है, तो इन शॉर्ट वन प्लस डेल्टा बी बाय बी पावर माइनस वन का आंसर होगा वन माइनस डेल्टा बी बाय बी, बोलो हाँ या ना? यस यस। ओके, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, एक मिनट है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बच्चों वन प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू वन प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए, ए बाय ए वन, अच्छा प्लस और माइनस था, माइनस, हाँ माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, वेरी गुड, मतलब वही बात हो गई। अच्छा चले ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हैंस, इसके ऊपर से आप बता सकते हो, फिर वही करना है मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, वही करना है मल्टीप्लीकेशन रूल, वन का वन के साथ, डेल्टा इसके साथ, इसका उसके साथ, इसका इसके साथ, यही करना है, आप फाइनली ये आंसर लेके आओगे डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, आपका जो फाइनल रिजल्टेंट आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सो हेंस यहाँ पर रूल लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गोल्डन हैंड राइटिंग में रूल लिखा जाएगा, दिख रहा है गोल्डन हैंड राइटिंग? ओके, रूल क्या होगा बच्चों, इन सर
बोलो बेटा। डेल्टा जेड अपॉन जेड मतलब रिलेटिव एरर। वेरी गुड, इन आंसर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिजल्टेंट एरर और रिजल्टेंट रिलेटिव एरर। वेरी प्रिसाइज अगर हमें लिखना है तो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर इज गिवन बाय एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड बी रिलेटिव एरर एरर ऑफ प्रोड्यूस बाय ए एंड इन ईच क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं है बेटा कि आपके पास ए एंड बी है, ए बी सी हो सकता है। सपोज करो इस तरह से, सपोज करो ए बी अपॉन सी है, ठीक है, तो यहाँ यस पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तीनों हो रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है, समझो इसका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो दिया जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। चाहे एडिशन हो यस चाहे डिवीजन हो, आपको ये रूल फॉलो करना है। बोलो क्लियर, यस पक्का, समझ यस में आया यस नहीं समझ आया, ये क्या बोलो, यस के क्या बोलो, मतलब समझ आया कि नहीं आया, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, आ गया। पक्का। हाँ यस सर, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ आपको। देखो क्या दिखा रहा है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया है बेटा वी अपॉन आई। अच्छा वी अपॉन आई मतलब क्या होगा, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, अपना V अपॉन आई ये क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो यस वही तो पूछ रहा हूँ। ऑपरेशन मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, डिवीजन हो रहा डिवीजन है। ओके ठीक यस है चलो, तो आपका डिवीजन हो रहा है। नाउ अभी वोल्टेज का इक्वेशन कैसे दिया बेटा, V इज इक्वल टू 100 100 प्लस प्लस माइनस 5 5 वोल्ट, वेरी गुड, ओके। और I का वैल्यू कितना दिया बेटा, 10, 10 प्लस माइनस 0.2 वेरी गुड। अच्छा अभी मुझे देखो सबसे पहले तो रिजल्टेंट R फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा रिजल्टेंट R कैसे फाइंड किया जाएगा, V का मेन टर्म। अच्छा V का मेन टर्म कितना है बच्चों, 100 100, तो यहाँ पर 100 रखो। आई का मेन टर्म कितना है बच्चों, 10 10, तो ये देखो ये कैंसल हो गया, तो जो आपका आर है, जो आपका आर है बेटा वो मिल गया वो आपको 10 कितना, 10 ओम, बराबर, समझ आया, 10 समझ आया, पहले ही यस बताओ। नाउ अभी इसके बाद क्या यस करोगे, नाउ अभी इसके बाद क्या करोगे, अभी हमारा डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल क्या होता है बेटा, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा वी बाय आर, वी अपॉन डेल्टा आई बाय आई ओके चले, डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा वी कितना है बच्चों आपके पास, डेल्टा वी कितना है, 100 प्लस माइनस 5 नहीं डेल्टा वी पूछ रहा हूँ, डेल्टा वी एरर टर्म, डेल्टा मतलब फाइव एरर, एरर टर्म, फाइव वेरी गुड, 5 फाइव फाइव अपॉन फाइव मेन टर्म जीरो कितना है, पॉइंट टू 100 100 प्लस डेल्टा आई का वैल्यू कितना, 0.2 पॉइंट टू अपॉन मेन 0.2 टर्म कितना, 10 10। पहले ये समझ लो बेटा ये क्या किया, ये आपका डेल्टा वी है, ठीक है, ये आपका मेन टर्म है,
ये आपका डेल्टा आई है, ये आपका मेन टर्म है। बोलो आई बात समझ में? तो डेल्टा वी का वैल्यू हमने 5 रखा, वी का वैल्यू हमने 100 रखा, बीच में प्लस डेल्टा आई का वैल्यू हमने 0.2 रखा, आई का वैल्यू हमने 10 रखा। चले तो ये हो जाएगा बेटा 5/100 मतलब 0.05 और 0.2/10 मतलब 0.02, तो ये हो जाएगा 0.07। अच्छा चलो यहाँ पर देखो बेटा, आपके पास डेल्टा आर, आर की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने? देखो तो 10 ओके इक्वल टू 0.07 हो गया। यस ओके ये 10 सामने मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा आर की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा 0.7। वेरी गुड। तो अच्छा अभी ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा 10 प्लस और माइनस 0.7। बोलो आई बात समझ में? यस सर। आपका जो आर इक्विवेलेंट होता है वो कैसे लिखा जाता है बेटा? आर प्लस और माइनस डेल्टा आर से। डेल्टा आर की वैल्यू आपने लास्ट में फाइंड की वो 0.7 मिला और आर की वैल्यू आपने पहले फाइंड की थी वो 10 मिला। तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो क्लियर? अच्छा यस। अगर आपको परसेंटेज पूछा होता, इफ यू हैव टू फाइंड परसेंटेज, तो आपका जो डेल्टा आर बाय आर का आंसर है, डेल्टा आर बाय आर का आंसर कितना है बेटा? डेल्टा आर बाय आर 0.07। ओके उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7% होगा। बोलो आई बात समझ में? यस। अगर परसेंटेज पता तो कैसे करना, आई बात समझ में? यस। पक्का? पक्का। अंडरस्टूड? यस। नॉट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ओके चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन करंट, ये डेंसिटी भूल जाओ, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स भूल जाओ। व्हेन करंट ऑफ 2.5 प्लस और माइनस 0.5 एम्पीयर इज पास फ्रॉम वायर, देन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ऑफ 20 प्लस और माइनस 1 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज फिल इन द ब्लैंक। ठीक है चले। करंट कितना दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके सर, अभी मैं पूछू उतना आंसर करना मुझे। आई की वैल्यू, करंट कितना दिया था बच्चों आपको? आई की वैल्यू 2.5 प्लस और माइनस 0.5। अच्छा उसके पीछे यूनिट होगा एम्पियर, और वोल्टेज की वैल्यू कितना था आपके पास? 20 प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 ओके वोल्टेज। चलिए रेजिस्टेंस फाइंड करना है मतलब आर फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे बेटा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई करोगे। अच्छा यस। वोल्टेज का मीन टर्म कितना है बेटा आपके पास? 20। और करंट का मीन टर्म कितना है आपके पास? 2.5। अच्छा 2.5 की जगह पर देखो बच्चों, विदाउट कैलकुलेटर करना है तो मैं उसको 5/2 बोल सकता हूँ। यस ठीक है। अच्छा ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो इसको 20 × 2/5 बोला जाएगा, 5 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यस ये 4 × 2 मतलब 8 ओम होगा। यस बोलो आई बात समझ में? यस सर। नाउ डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी, वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अप। ओके डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी कितना है बच्चों आपके पास? 1 अपॉन वी कितना है आपके पास? 20। ठीक है प्लस डेल्टा आई कितना है आपके पास? 0.5। वेरी गुड। अपॉन 2.5। सही है।
अच्छा देखो विदाउट कैलकुलेटर, सुनो मेरी बात, अभी विदाउट कैलकुलेटर बेटा करना है आपको तो कैसे किया जाएगा, 1/20 ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई फाइव करूं डिवाइड फाइव करूं ठीक है, प्लस 0.5 की जगह पर मैं इसको 1/2 इनटू 2.5 बोल सकता हूँ ठीक है, तो ये यस कितना हो जाएगा बेटा, 1 × 5 तो ये हो जाएगा 5, और 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 100, वेरी गुड, चले प्लस ये 1, अच्छा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे जाएगा, सो 2 × 2.5 होगा, फाइव यस फाइव अपॉन 100 होगा 0.05, 1/2 × 2.5 ये हो जाएगा 5, अच्छा 5 है यस तो नीचे मल्टीप्लाई करो ऊपर डिवाइड, मतलब डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा आर बाय आर यस 0.05 प्लस 2/10, आई बात समझ में, 2 को यस मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बेटा 0.05 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है मेरी बात, जैसा चलो डेल्टा आर, आर की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 0.25 डेल्टा आर 2, अच्छा 0.25 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई 8, तो 4 2 से 8 ये 2 हो जाएगा, वेरी गुड, तो आप कैसे लिख पाओगे आर इक्विवेलेंट, देखो तो आर 8 ± 2, वेरी गुड, तो आपका आंसर होगा 8 ± 2 ओम, टू बोलो आई बात समझ में बच्चों, यस पक्का, यस सर ठीक है, बस तो फिर आज अपने इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे फर्दर डिस्कशन जो है वो आज हम नहीं करेंगे, क्लियर एवरी